नमस्कार, मैं प्रतीक्षा का, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 26 जनवरी मतलब हमारा गणतंत्र दिन। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनैतिक नेता के रूप में अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए केवल जनता के पास ही अधिकार है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता खुद प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दी, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को संघर्ष ना करना पड़े और हम हमारे देश को आगे ले जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद आदि हैं। भारत को आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। हमें ऐसे वक्त अवसर पर इनको याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों के ही वजह से यह मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी के दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर जी रहे हैं। भारत का संविधान एक लिखित स्वरूप का संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्नो थे। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश की अधिकारी को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश को आज़ादी मिलकर इतने वर्षों हो गए, तभी भी आज भी हमें अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, और वो हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तपों की सलामी दी जाती है।
1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किए थे। यह बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र ऐसे महान सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति का प्रदर्शन करती है और परेड मार्च करती है। इतना कह कर मैं मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।